इसराइल हमास युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट के कई प्रतिरोधी समूह और देश इसराइल के खिलाफ उतर आए हैं और इस गुट की अगुवाई ईरान कर रहा है। ईरान पर्दे के पीछे इसराइल पर हमला करने के लिए कासिम सुलेमानी फोर्स तैयार कर रहा है, जिसमें इराक, सीरिया, हिजबुल्ला और हूती के लड़ाके शामिल होंगे। और अगर ये सभी एक साथ मिलकर इसराइल पर हमला करते हैं तो मिडिल ईस्ट में एक नए युद्ध का विस्फोट हो सकता है और इस युद्ध से पूरी दुनिया छूती नहीं रहेगी। इसी कड़ी में यमन का हूती सबसे बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। हूती हजारों किलोमीटर दूर बैठे ही लाल सागर, अरब सागर, हिंद महासागर और बाब अल मंडेब में इसराइल और पश्चिमी देशों के जहाजों पर हमले कर रहा है। और अब इसी कड़ी में हूती ने एक बार फिर से लाल सागर में तीन बड़े हमले किए। हूती ने एक हमला लाल सागर में कॉन्टशिप ओनो जहाज पर किया है। हूती ने इस जहाज पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। इसके बाद एडन की खाड़ी में हूती ने दो अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर हमले किए हैं। हूती का कहना है कि उसने अमेरिकी डिस्ट्रॉयर कोल पर कई ड्रोन फायर किए हैं जो टारगेट पर एकदम सटीक लगे हैं। हूती के मुताबिक उसने नौसेना मिसाइल फोर्स और ड्रोन फोर्स के साथ मिलकर यह हमला किया है। वहीं अमेरिकी डिस्ट्रॉयर लाबून पर भी हूती ने कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इसको लेकर हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी का भी बयान आ गया है। نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية مشتركة استهدفت سفينة كونتشيب أونو في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله ونفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية نوعية استهدفت المدمرة الأمريكية كول في خليج عدن وذلك بعدد من الطائرات المسيرة وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله ونفذت القوات البحرية عملية عسكرية نوعية استهدفت المدمرة الأمريكية لابون بعدد من الصواريخ البالستية। कॉन्टशिप ओनो पर हमले को लेकर हूती का कहना है कि इस जहाज ने कब्जे वाले फिलिस्तीनी बंदरगाह पर प्रवेश पर लगे प्रतिबंध का उल्लंघन किया है, इसलिए इस जहाज को निशाना बनाया गया। आपको बता दें कि हूती का ये भी कहना है कि अमेरिकी डिस्ट्रॉयर हूती के ऑपरेशनल इलाके से होते हुए उत्तरी लाल सागर की तरफ जा रहा था और तभी इसे डिस्ट्रॉयर पर हमला किया गया। हूती का कहना है कि यह हमला अमेरिका द्वारा इसराइल को दी जा रही सैन्य मदद को बहुत बड़ी चुनौती है और इस हमले में सबसे खास बात यह रही कि अमेरिका के ये दोनों ही डिस्ट्रॉयर कई मिसाइलों और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने में नाकामयाब रहे, जिन्होंने अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया। हूती ने यहाँ तक कह दिया कि वो इस इलाके में अमेरिकी नौसेना की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं और अमेरिका द्वारा इस इलाके से इसराइल को दी गई मदद को शत्रुतापूर्ण कार्रवाई के रूप में देखा जाएगा, जिसका जवाब देने के लिए हूती अपने उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल भी नहीं हिचकेगा। आपको बता दें कि इससे पहले 4 अगस्त को हूती ने कहा था कि उसने अमेरिका का MQ-9 रिपर ड्रोन यमन के सादा प्रांत के ऊपर मार गिराया था। हूती के मुताबिक अमेरिका का ये 7वां MQ-9 ड्रोन था जिसे नवम्बर 2023 के बाद से उसने गिराया। كبير كبير شكلها ما عاد ما في جنة كلها جاب